तो दोस्तों ज़्यादातर हम अपने फ़ोन्स में दोस्तों टाइपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो दोस्तों सोशल मीडिया के लिए हो, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, या फिर दोस्तों जो कि आप यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करते हैं दोस्तों उसके लिए टाइपिंग हुआ, या फिर नोट्स लिख रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों हम सोचते हैं कि जो कि टाइपिंग कीबोर्ड है दोस्तों आपके रीजनल लैंग्वेज में मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हिंदी, उड़ीसा, तेलुगु, तमिल, जितने भी यहाँ पर दोस्तों जितने भी यहाँ पर कंट्री हैं दोस्तों, सभी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर हर एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको यहाँ पर 100% मिलेंगे दोस्तों। तो आप टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे टाइपिंग कीबोर्ड के नाम से, लेकिन दोस्तों जो कि ऐप्स होते हैं दोस्तों वो आपके डाटा यहाँ पर लीक कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर जो कि कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है या फिर जितने भी यहाँ पर फोटो, ऑडियो, वीडियो दोस्तों लीक हो जाती हैं, बहुत ही डाटा है दोस्तों, प्राइवेसी इशू होता है। लेकिन कुछ यहाँ पर जो कि ऐप्स हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर जेनुइन ऐप्स हैं और जिसमें आपको सभी लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐप्स है। तो दोस्तों सभी लैंग्वेज में टाइपिंग करने के लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर चले जाना होगा और एक ऐप यहाँ पर देख लेना होगा दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों इंडिक कीबोर्ड का दोस्तों। इसमें आपको यहाँ पर लिमिटेड लैंग्वेज मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर लिमिटेड लैंग्वेज यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। जी हाँ दोस्तों, 11 लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। और यदि हम लोग जिस कीबोर्ड की बात करें, यदि आप उसे यहाँ पर लैंग्वेज को देख कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों अनलिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं दोस्तों उस लैंग्वेज में यदि आप इससे दोस्तों जो कि हम लोगों का जीबोर्ड, जी हाँ दोस्तों, अब जीबोर्ड को हम लोग यहाँ पर एक बार अपडेट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट आ चुका है जीबोर्ड का, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज़ आया है अपडेट में दोस्तों। यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों व्हाट्स न्यू। जी हाँ दोस्तों, और इसके नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ अभी आया है दोस्तों न्यू में, यहाँ पर देख सकते हैं। सो सिंपली इसे अपडेट हो जाने देते हैं, अपडेट हो चुका है दोस्तों। अपडेट हो जाने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन आप यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। तो सिंपली इसे ओपन करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने मैसेज बॉक्स में, और यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं किसी मैसेज को जो। जी हाँ दोस्तों, सो देख सकते हैं ये रहा हम लोगों का जीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ऊपर इमोजी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पर इसमें आपको सभी लैंग्वेज ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, और जो कैंडी कीबोर्ड है दोस्तों उसमें बहुत ही कम लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सभी लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सो यदि किसी को भी यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर हिंदी में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर आप देखिए जहाँ पर यहाँ टाइपिंग हो रहा है दोस्तों, सो वहाँ पर आप कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं दोस्तों। सो कुछ इस तरह से यदि आप लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ऊपर मीनिंग ट्रांसलेट हो चुका है दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो कि GIF होता है दोस्तों, वो भी सेंड बहुत ईजीली तरीके से यहाँ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि नहीं मिल रहा तो दोस्तों यहाँ पर से आप सर्च कर सकते हैं, इसमें इस कीबोर्ड में आपको बहुत सारा अनलिमिटेड जिप्स मिल जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं। और GIF में दोस्तों आपको यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्राई। सो एक बार हम लोग कीबोर्ड को यहाँ पर वापस से लाते हैं दोस्तों, और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से थीम्स यदि चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो थीम्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और थीम्स में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन सा थीम्स यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी आपको बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने की बात रही तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो कि ग्लोब वाला बटन दिख रहा है दोस्तों, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और दोस्तों जितना भी यहाँ पर लैंग्वेज आपको देख रहे हैं दोस्तों, सभी में से किसी भी लैंग्वेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड कुछ इस तरह से दिखा रहा था दोस्तों, लैंग्वेज में चल जाते हैं। और नीक कीबोर्ड को यहाँ पर ऐड करना है तो दोस्तों ऐड कीबोर्ड पर नीचे क्लिक करना होगा दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको सभी लैंग्वेज ऑलमोस्ट करीब करीब सभी लैंग्वेज यहाँ पर अनलिमिटेड लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं दोस्तों उस लैंग्वेज को यहाँ पर सर्च करिए, जो कि ऊपर सर्च बटन आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सर्च करने के बाद सिंपली आप उसी लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों अनलिमिटेड लैंग्वेज कीबोर्ड, और ये दोस्तों यहाँ पर फ्रॉड कीबोर्ड नहीं है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा जो कि प्ले स्टोर पर हमने इंस्टॉल किया दोस्तों। यहाँ पर एक बार और हम लोग इसका दिखा दे रहे हैं दोस्तों, जो कि ये है गूगल का कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं गूगल LLC। सो यहाँ पर ये कीबोर्ड गूगल का दोस्तों, और इसमें आपको अनलिमिटेड लैंग्वेज देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इस कीबोर्ड में मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। और इमोजी की बात रही तो दोस्तों यहाँ पर इमोजी नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर
सो कीबोर्ड यहाँ पर जब भी हम इंस्ट्रक्शन देने जाते हैं कीबोर्ड हट जाता है दोस्तों। तो इमोजी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ था दोस्तों, इसमें अनलिमिटेड इमोजी भी है जैसा कि देख सकते हैं। सो यहाँ से आप बहुत इजीली तरीके से किसी भी दोस्तों जो कि यहाँ पर कैरेक्टर है, किसी भी कैरेक्टर को आप यहाँ पर से सेलेक्ट करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं जी दोस्तों। तो यदि कोई कैरेक्टर नहीं मिला तो दोस्तों यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। सो जैसा कि देख सकते हैं, सो आपको यदि GIF भेजना है तो दोस्तों इसमें से आप देख सकते हैं कुछ स्टिकर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तों। स्टिकर आप भेज सकते हैं और बहुत सारा स्टिकर आपको मिल जाता है दोस्तों। और यदि आप यहाँ पर ब्राउज करके लाना चाहते हैं दोस्तों तो ब्राउज करके भी आप ला सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा देते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पर इसके इसमें फीचर दिया हुआ दोस्तों। लैंग्वेज चेंज करना तो आप जाने के होंगे दोस्तों, और कीबोर्ड से यदि टाइपिंग करना चाहते हैं दोस्तों तो ये रहा स्मॉल कीबोर्ड इसका, और ये छोटा साइज़ में हो गया। बड़ा साइज़ में करने के लिए इस तीर वाले आइकन को क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सो लैंग्वेज चेंज करने के लिए ग्लोब वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक बार हिंदी लाते हैं दोस्तों, और हिंदी कीबोर्ड देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया दोस्तों। सो जैसा भी आप चाहते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर मल्टीपल कीबोर्ड में दोस्तों मल्टीपल देख सकते हैं अलग अलग चीज़ यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। सो यदि हिंदी चाहते हैं दोस्तों तो हिंदी भी आपको यहाँ पर मिलेगा जैसा कि देख सकते हैं। सो ये रहा कीबोर्ड दोस्तों, जिसकी मदद से दोस्तों आप मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पर अपना यूज कर सकते हैं दोस्तों, जिसे भी चाहते हैं दोस्तों अपने मातृभाषा में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।